आज मैं लेके आई हूँ परफेक्ट माप के साथ सूजी का हलवा। अष्टमी नवमी का प्रसाद बनाएंगे, नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ पे हलवा बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ एकदम दानेदार हलवा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक पतीला रखा है और उस पे मैंने 1.5 कप पानी डाला है और 3 से 4 केसर के धागे डाल दूंगी और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और पानी को गर्म कर लेंगे। आप कोई भी एक कटोरी कप सेट कर ले, सभी चीज़ें उसी से माप लें। यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ देसी घी, हलवा देसी घी में ही बनता है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। मैंने 7 से 8 काजू, 7 से 8 बादाम लेके और इनको बीच से कट करके डाल लिया है और अब हम इनको भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे, हाई कर देंगे तो ड्राई फ्रूट जल्दी भुन जाते हैं, जल जाएंगे। तो ये भुन गए हैं, इन्हें एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हम किशमिश डाल लेते हैं। किशमिश जल्दी भुन जाती हैं तो इन्हें अलग से भूनेंगे। जब ये फूल जाए गुब्बारे की तरह तो हमारी किशमिश भून के तैयार हो जाती हैं। किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती हैं तो देखो ये फूलना शुरू हो गई हैं, भुन गई, इन्हें भी निकाल लिया। मैंने सेम कढ़ाई में ही जो घी था उसी में ही 1/2 कप सूजी ली है। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1/2 कप सूजी ली है। अब हम कढ़ाई में 1/2 कप सूजी डाल लेंगे और घी हम और ऐड करेंगे। अभी तो ये घी कम ही है, पहले इसमें थोड़ा सा सूजी को 1-2 मिनट भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। घी मेरे को थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच घी और डाल लेती हूँ इसमें। ज़रूरत के अनुसार घी डाल लेंगे, इसमें 1/2 कप से भी कम घी लगेगा, ज़्यादा घी नहीं लगेगा। तो मैंने 1 चम्मच और डाल लिया है, इसे 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। अगर कम लगेगा तो और डाल लेंगे, हमें इसे छोड़ना नहीं है। लगातार चलाते हुए हम सूजी को भूनेंगे। जितना अच्छा हम सूजी को भूनेंगे हमारा हलवा उतना ही टेस्टी बन के तैयार होगा। हमने 2 चम्मच घी शुरू में डाला था जिसमें ड्राई फ्रूट भुने थे, मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है। अब हम 1/4 चम्मच डालेंगे घी की, तो बस इससे ज़्यादा मैं इसमें घी नहीं डालूंगी, 4 चम्मच में ही हमारा हलवा बन जाएगा। तो अब मैं इसमें एक सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूं का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ये आप हलवे में ज़रूर डालिए, हलवे का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो आप मीने डाल के भी अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, मतलब गोल्डन ब्राउन करना है। इस तरह से मैं आपको हलवा बनाना बता रही हूँ, आप उस तरह से अगर हलवा बनाओगे तो आपका हलवा भी बहुत टेस्टी बनेगा और ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सूजी भुनना शुरू हो गई है, देखो इसका कलर चेंज हो गया है। हम इसे 2-3 मिनट और पका लेते हैं तो देखो सूजी का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। जो हमने पानी गर्म करके रखा था, देखो केसर ने अपना कलर छोड़ दिया है, वो पानी अब इसमें डाल देंगे। 1/2 कप सूजी में मैंने 1.5 कप पानी लिया है, मतलब 3 गुना पानी लेना है। अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हो तो आपको 3 कप पानी लेना है। मैंने 1/2 कप सूजी ली है तो मैंने 1.5 कप पानी लिया है। अब इसको मिला के ढक के हम इसे उबाल लेते हैं जब तक सूजी हमारी फूल ना जाए। चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो सूजी ने सारा पानी सोख लिया है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, चला लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखा है, हम इसे और पका लेंगे 1/2 मिनट के लिए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। देखो आज हमने ना तो चाशनी बनाई, यहाँ पे मैंने 1/2 कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। ये बिल्कुल परफेक्ट माप है, ना तो कम है ना ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने 7 से 8 केसर के धागे कुछ पानी में भिगो दिए थे जिससे हमारे हलवे का कलर और भी अच्छा है, खाने में और भी टेस्टी लगे। न घंटों पकाना, न चाशनी बनानी, ना कोई झंझट। आप इस तरह से हलवा बना के देखिए, हमारे घर में तो इसी तरह से हलवा बनता है हमेशा। चाशनी कुछ भी तामझाम नहीं, एक ही बर्तन में हलवा बन के तैयार हो जाता है। तो इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चीनी घुल जाए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई न्यू रेसिपी बनाना और जिसको मीठा खाना पसंद हो, आप उसके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए अभी ये पतला लग रहा है, नहीं हम इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जिसे सूजी है वो चीनी को सोख लेगी, जो पानी वो आए वो जल जाएगा। तो देखो 2-3 मिनट हो गए हैं और ये पकना शुरू हो गया है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ।
हम इसको मिला लेते हैं। अगर आप घी ज़्यादा खाते हो तो आप एक दो चम्मच घी और ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने पूरे चार चम्मच ही घी डाला है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट भून के रखे थे वो भी इसमें डाल के एक बार मिक्स कर देते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो, यहाँ पे नारियल का बुरादा, आपको जो भी पसंद हो। मैंने यहाँ पे काजू बादाम डाले हैं और किशमिश। अब इसमें थोड़े से पिस्ता भी डाल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने पिस्ता भी डाल लिया है और मिक्स कर लिया। हमारा हलवा रेडी हो गया है, इसको सर्व कर लेते हैं। आज हमने ना तो एक्स्ट्रा मतलब सूजी को पकाया है, अलग से भुना है, ना ही हमने चाशनी बनाई है, ना ही हमने मावा का यूज किया है। तो देखो एक ही बर्तन में आज हमने हलवा बना के तैयार कर लिया है, वो भी घंटों का काम मिनटों में कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। राधे।